आज बेटा हमारा इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3। उससे पहले आपको इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक प्रॉब्लम दी गई थी। कौन सी प्रॉब्लम दी गई थी? प्रॉब्लम नंबर 7.1 ऑफ एक्सरसाइज। तो इसके अंदर क्या था? अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड जो है बेटा, एक लिक्विड, लिक्विड मतलब स्टेट हो गया, और स्टेट मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड है इक्विलिब्रियम के अंदर विद इट्स वेपर। किसके साथ? वेपर के साथ, इन अ सील्ड कंटेनर, एक ऐसे कंटेनर के साथ जिसके ऊपर की बाहर क्या लगा रखी है? सील लगा रखी है एट अ फिक्स टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमने क्या कर रखा है सर? फिक्स। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीजेस। और जैसे जैसे हमने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, तो जो कंटेनर की वॉल्यूम है वो धीरे धीरे क्या करने स्टार्ट हो गई? इंक्रीज। ऐसे कैसे सर? तो देखो यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? कंटेनर है। अगर मैं इस कंटेनर के ऊपर क्या लगा दूं? पिस्टन लगा दूं, पिस्टन लगा दूं, और इसके अंदर फिल कर दूं। किसको फिल कर दूं? गैस के मॉलिक्यूल्स को। गैस के मॉलिक्यूल्स को इसमें फिक्स कर दिया। अंदर से क्या दे रहे हैं? हम टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर दे रहे तो गैस के मॉलिक्यूल्स उछलेंगे। उछलेंगे तो क्या करेंगे? मोशन करेंगे। मोशन करेंगे दैट मीन्स हाईली मोशन। हाईली मोशन, हाईली मोशन करने की वजह से एक दूसरे के साथ कोलिजन्स होंगे। कोलिजन्स होंगे तो ये बार बार इस पिस्टन को हीट करेंगे, हीट करेंगे, जिसकी वजह से पिस्टन क्या करेगा? मूव करेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी थी? पहले तो हमारे पास सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम थी, और फिर वॉल्यूम क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा किसने कहा? मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही है। तो इसी के रिगार्डिंग इसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। क्या क्वेश्चन पूछे हैं सर? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ, इनिशियल इफेक्ट क्या आएगा जब हम वेपर प्रेशर को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। वेपर प्रेशर अगर चेंज होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? चेंज होता है, तो क्या होगा? व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑन द चेंज ऑन प्रेशर? वॉल्यूम। कि अगर हम वेपर प्रेशर, हमने देखा हुआ है कि प्रेशर जो होता है बेटा, हमने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर के अंदर पढ़ा था? चैप्टर नंबर 5, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या कह रहे थे? कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हाउ डू रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंजेस इनिशियली। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? लिक्विड है ना। लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो जो आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोसेस आ रही है इवेपोरेशन। तो ये तो कौन सी प्रोसेस है? फॉरवर्ड रिएक्शन वाली। कौन सी है? फॉरवर्ड। बात करें बैकवर्ड की, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? कंडेंसेशन। कि वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड के अंदर। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के टर्म्स में हम इस क्वेश्चन को ले आए हैं। अब हम इसको आसानी से कवर कर लेंगे कि पहले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और फिर क्या आएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आएगा। और थर्ड पॉइंट इसने पूछ ही लिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। तो आपका जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगा। और फाइनल प्रेशर को हम कैसे निकाल सकते हैं? पी इज इक्वल टू के बाई में वी। क्लियर है? या फिर इसके लिए इन टर्म्स ऑफ केसी एंड केपी भी आएगा। अब आगे पढ़ेंगे केसी और केपी के बारे में, वहां से भी प्रेशर निकालते हैं। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7.1। इसी तरीके से बेटा आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं धीरे धीरे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में वहां पे टाइप करके भेज देना है, मैं इस डाउट को इसके अंदर कंसीडर कर दूंगा। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे? लॉ ऑफ मास एक्शन का वैसे जनरली मीनिंग समझते हैं कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर है, उसके अंदर हमने पानी भर रखा है, ऊपर सूरज मामू है। सूरज मामू क्या करेंगे? इस वो पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वेपर्स में कन्वर्ट तो होगा, लेकिन पहले ये वाला मॉलिक्यूल होगा या ये वाला मॉलिक्यूल? ऊपर वाला मॉलिक्यूल होगा। तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल होगा तो सरफेस वाला जो मास है वो किसमें? एक्शन में। सरफेस वाला मास किसमें? एक्शन में।
पहले ये वेपराइज होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, मतलब एक लेयर के बाद लेयर आ रही है, लेयर के बाद लेयर आ रही है, जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वेपराइज होती जा रही है। तो इस पर्टिकुलरली लेयर के ऊपर एक्ट करने वाले मास को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। और यही एक्टिव मास क्या करता है, रिएक्शन करता है। अगर बात करें हम रिएक्टेंट की, मान लो आपके पास रिएक्टेंट है, उस सारे रिएक्टेंट को हमने इस ग्लास में फिल कर दिया, ग्लास में फिल कर दिया, तो सिर्फ एक्शन तो कौन से गैस कर रही है जो, या कौन सा लिक्विड कर रहा है जो सरफेस पे है, तो सरफेस वाला अगर कर रहा है सिर्फ, दैट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ इसी मास को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, हम पूरे रिएक्टेंट को नहीं लेंगे। जैसे आपके पास साबुन होती है घर पे, जब नई नई साबुन लेके आते हैं, नई नई साबुन लेके आते हैं, उससे नहाते हैं, तो नहाते हैं तो हमेशा उसकी एक लेयर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पे एक लेयर कम हो गई, फिर उसके बाद एक और लेयर कम हो गई, फिर एक और लेयर कम हो गई, फिर बिल्कुल ऐसे पतली सी साबुन बचती है जिसको इधर उधर ढूंढते रहते हैं, वो गिर जाती है, इधर उधर चली जाती है, समझे। तो सबसे पहले वाली लेयर जो गई वो किसमें है, एक्शन के अंदर है। इट स्टेट्स दैट, अब लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा जाए तो स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट है, रेट हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था रेट के बारे में, कि रेट क्या होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज रेट। तो आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, कि लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, और उनकी जो रिस्पेक्टिव मोल्स हैं वो किसमें चली जाएंगी, पावर में। ऐसा समझ नहीं आया सर कुछ ठीक से अच्छे से, तो देखो एक रिएक्शन लेते हैं, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी इज कन्वर्टिंग इनटू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा सर, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब ये कंसेंट्रेशन किसकी होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट कौन सा है, ए है और बी है। अब बात करें सर, ये जो छोटा ए और छोटा बी आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मोल्स, जैसे टू मोल्स ऑफ ए प्लस थ्री मोल्स ऑफ बी इज रिएक्टिंग एंड मेकिंग सम प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ए कितने हो गए, टू, एंड मोल्स ऑफ बी कितने हो गए, थ्री। तो ये जो मोल्स होते हैं, रेज टू देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, रेज टू देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, रेज टू देयर का मतलब क्या है, कि वो किसमें चले जाते हैं, पावर में, कि ये ए कहाँ जाएगा, ए की पावर में, और बी कहाँ जाएगा, बी की पावर। ये तो कौन सा हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का। अगर इसमें बैकवर्ड लिखना है तो बैकवर्ड के अंदर जो आपके प्रोडक्ट थे वो क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या थे, सी और डी थे, ये अब क्या बन गए, रिएक्टेंट, क्योंकि ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ए और बी में। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या जाएगा, सी और डी, सी की पावर कितनी आ जाएगी, स्मॉल सी, और डी की पावर कितनी आ जाएगी, स्मॉल डी। इज इट क्लियर और नॉट, तो दैट इज नोन एज योर लॉ ऑफ मास एक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। वेयर के इज रेट कॉन्स्टेंट, अच्छा के कहां से आ गया सर, तो देखो ध्यान से, ये रिएक्शन ले रहा हूं मैं, RF is directly proportional to A to the power A, B to the power B. अगर मैं इस directly proportional sign को हटाऊंगा तो क्या आएगा? K constant आएगा, और इस K को हम क्या बोलते हैं? Rate constant. क्या बोलते हैं? ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस equation को, कि RF जो है वो किसके equal आ रहा है? K into में concentration of A into में concentration of B. Moles भी थे तो moles कहाँ जाएंगे? Power में आ जाएंगे। तो ये जो k है आपका, ये k क्या है यहाँ पे, रेट कॉन्स्टेंट या फिर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। वी कैन अटेन इक्विलिब्रियम फ्रॉम बोथ द साइड्स, हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं दोनों साइड से, बोथ साइड्स, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन भी। तो फॉरवर्ड के लिए जो आपका रेट होगा वो क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने किया है, के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखा जाए तो आर बी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। इज इट क्लियर और नॉट, तो ये जो है आपके कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है।
अभी इसी से हम डेरिवेशंस करेंगे आगे की, समझे या नहीं समझे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे बेटा आपके पास, हाँ ये काफी ज्यादा डाउट आता है कि a प्लस बी, a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ b इज कन्वर्टिंग था इनटू c मोल्स ऑफ c एंड d मोल्स ऑफ d। तो यहाँ पे सर आपके जो रिएक्टेंट्स है ना, ये रिएक्टेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, a प्लस b है तो यहाँ पे भी प्लस ही आना चाहिए, तो g नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं आता है, यहाँ पे प्लस नहीं आता है, यहाँ पे कौन सा सिंबल आता है, मल्टीप्लाई का। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी प्लस का सिंबल नहीं आता है, सिर्फ मल्टीप्लाई का सिंबल आता है, इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही, क्लियर है, आ गया समझ में। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो जाएगा, जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। दैट मीन्स के एफ, आर एफ अभी अभी हमने पढ़ा है ना, आर एफ किसके इक्वल था, के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। अभी अभी पढ़ के आए थे, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, ये रहा आर एफ किसके इक्वल है, के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। आर बी किसके इक्वल है, के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। तो ये यही लिख देते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल टू, आर बी किसके इक्वल होगा, के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। अब मैं इसके के, ये जो आपका के, यहाँ पे के बी आएगा ना, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, के बी आएगा। तो ये के बी को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो के एफ बाई के बी बनेगा, क्या बनेगा, के एफ बाई के बी। तो के एफ बाई के बी जो बना है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, के सी, क्या बोलते हैं। और बात करें के सी की, तो के सी क्या होता है, इट इज अ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है, किसकी टर्म्स में है, ये नीचे सी लिखा हुआ है, सी का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन, सी का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन की टर्म्स में है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, देखो ध्यान से, के एफ बाई के बी, के बी को मैं साइड लिया है, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी है और कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी है, अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, ये कहां से आ गया सर, ये इधर से नीचे आ गया, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी है। और ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम किसके इक्वल आ रहा है, के सी के इक्वल आ रहा है। अब के सी को निकालने का ना एक बहुत प्यारा फॉर्मूला आ गया है, क्या आ गया है कि सी और डी तो हमारे क्या है, प्रोडक्ट है ना, तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, के सी बन जाएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी हम प्रेशर की टर्म्स में भी करेंगे कुछ। At particular time of at particular instant of time, the equilibrium constant is called reaction quotient. अब मान लो आपके पास ना कुछ ऐसा है कि A जो है वो B में convert हो रहा है और B जो है वो किस में convert हो रहा है, A में convert हो रहा है, तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, product की concentration, product की concentration क्या है, B upon में reactant की concentration, reactant की concentration कितनी है, A। तो ये तो equilibrium की हमने कह दिया ना कि ये equilibrium है, लेकिन मान लो कोई रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, हमें नहीं पता ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, लेकिन क्या हम इसकी ये प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन कोशेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्शन कोशेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, किसे डिनोट करते हैं बेटा, क्यू से डिनोट करते हैं। और आपके एक और प्यारी सी बात बताता हूँ काम की, अगर ये क्यू के इक्वल हो गया, अगर ये क्यू किसके इक्वल हो गया, केसी के इक्वल हो गया, तो केसी तो कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम पे होती है, दैट मींस ये क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, क्लियर है।
हम इस चीज को निकाल सकते हैं, हम केसी को भी निकाल सकते हैं। अगर ये चीज केसी के इक्वल आ जाती है दैट मीन्स आपके पास क्या अटेन हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, क्लियर है। और अगर ये क्यू इस केसी से बड़ा है या फिर ये क्यू इस केसी से छोटा है तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको पता करके आना है आपको कि कौन सी रिएक्शन होगी, कब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और कब बैकवर्ड रिएक्शन होगी। व्हेन विल बी द रिएक्शन इज फॉरवर्ड इन नेचर एंड व्हेन विल बी द रिएक्शन इज बैकवर्ड इन नेचर। क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा तो क्या तो फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, तो कौन सी कंडीशन होगी जब फॉरवर्ड में जाएगी और कौन सी कंडीशन होगी जब बैकवर्ड में जाएगी, आपका होमवर्क है, आपको पता करके आना है। फिर कल मैं इसको लूंगा, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आएगा ये। एट इक्विलिब्रियम क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, केसी के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। इन केस ऑफ गैसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर गैसेस आ गई तो क्या हुआ सर, तो गैसेस के टर्म्स में हम कंसंट्रेशन का यूज नहीं करते हैं, किसका करते हैं फिर, पार्शियल प्रेशर का, किसका करते हैं, पार्शियल प्रेशर, कैसे सर, एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा अब ना आपको क्या करना पड़ेगा, चलो देखो मैंने मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ना मैंने गैस फिल कर दी, कौन सी गैस फिल कर दी मैंने, एक तो फिल कर दी आपकी H2 और एक फिल कर दी I2, और ये दोनों मिलके क्या बना रही है, 2 moles of HA, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, H2 + I2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2 moles of HI, और ये कहीं बाहर तो गया नहीं है, यहीं पड़ा है, तो ये क्या जाएगा वापिस आ जाएगा, क्लियर है। तो अब मुझे ना इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब की बार किसकी टर्म्स में लिखेंगे, प्रेशर की टर्म्स में, ना कि कंसंट्रेशन की टर्म्स में। और रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू KF इनटू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कौन से हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ये यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट किसका मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन का, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, RF तो आ गया सर, R भी निकाल लेते हैं, R भी क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू KB इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा होगा, HI, और HI के पावर में भी, HI के पास कितने मोल्स हैं, 2 moles हैं, HI की क्या आ जाएगी, पावर, तो पावर ऑफ HI होल रेज टू द पावर 2, इज इट क्लियर और नॉट। इक्विलिब्रियम के ऊपर RF किसके इक्वल होता है, RB के इक्वल होता है, तो RF को RB के इक्वल रख देते हैं, तो KF इनटू में प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ I2 दैट विल बी इक्वल टू KB इनटू प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। KB को इधर ले आते हैं, KF बाय में KB दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन में प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ I2, इज इट क्लियर और नॉट। अब KF बाई KB, इसे तो हम क्या कहते हैं, KC कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं अब की बार KC नहीं कहेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म्स में नहीं है, अब की बार किसकी टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में, तो अब की बार इसको क्या बोलेंगे हम, KP। तो KP क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी टर्म्स में है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, कंसंट्रेशन नहीं है, इज इट क्लियर और नॉट। कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रेशर को डिवाइड कर देंगे, किसके प्रेशर से डिवाइड करेंगे, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट से, दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस, क्लियर। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, इस केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप और बता दो सर, ध्यान से देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के इक्वल होता है, ये याद है भी रखा हुआ। पी किसके इक्वल होगा, वी को इधर ले आता हूँ, एनआरटी और वी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये जो आपका एन बाई वी है इसी को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रेशन कहते हैं, तो पी किसके इक्वल हो गया, सी आर टी के इक्वल हो गया। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, ये तो हमें पता चल गया कि P किसके इक्वल है, CRT के इक्वल है, ठीक है।
रिएक्शन हम हमारी पुराने वाली ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से करिएगा। ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी इज कन्वर्टिंग इन टू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। बात करूँ आर एफ की तो आर एफ किसके इक्वल आएगा, के एफ प्रेशर की टर्म्स में करें तो प्रेशर ऑफ ए, पावर है तो पावर कहाँ चली जाएगी ऊपर, प्रेशर ऑफ बी, पावर है तो पावर कहाँ चली जाएगी ऊपर, आर बी। आर बी किसके इक्वल होगा बेटा, के बी इंटू रिएक्टेंट्स। अब बैकवर्ड में तो रिएक्टेंट कौन होगा, सी होगा, तो सी की पावर कितनी आएगी स्मॉल सी, और अच्छा ये प्रेशर की टर्म्स में, और यहाँ पे क्या आएगा प्रेशर ऑफ डी और पावर कितनी आएगी स्मॉल डी। क्लियर और नॉट, तो आर एफ और आर बी तो हमें निकालने आ गए हैं सर, ये तो इतना तो हम कर ही लेंगे, लेकिन फिर आगे की थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो वो मैं बता देता हूँ। दिक्कत तो इसमें कुछ आने नहीं देंगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो जाएगा, आर एफ विल इक्वल टू आर बी, तो के एफ इंटू प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी, दैट विल बी इक्वल टू के बी इंटू प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी एंड प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी। इस के बी को इधर ले आते हैं सर, के एफ बाय में के बी, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन में प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये जो के एफ बाई के बी आया है, ये प्रेशर की टर्म्स में आया है या कंसेंट्रेशन की टर्म्स में आया? प्रेशर की टर्म्स में आया है तो इसे केसी बोलेंगे या केपी बोलेंगे? केपी बोलेंगे सर, लेकिन क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, कंसेंट्रेशन के अंदर? तो हमने पढ़ा हुआ है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सीआरटी, क्या होता है सीआरटी होता है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आरटी और होल रेस्ट टू द पावर कितना है सी है। समझ आया नहीं आया? प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू सीआरटी, CRT मतलब कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन किसकी आएगी D की, और इनटू में क्या आ जाएगा RT होल रेज टू द पावर D अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ A होल रेज टू द पावर A इनटू RT टू द पावर। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये नहीं करना है आपको, यही तो गलती है सर, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी और होल रेस टू द पावर कितना आएगा ए आएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं वरना बच्चे फिर गलती करेंगे। हम क्यों करेंगे सर, आप करोगे। कंसेंट्रेशन ऑफ सी, ये पावर आ गई और यहां पे भी क्या आ गई पावर। समझ आया नहीं है? अब यहां पे एक और पावर आएगी, कौन सी पावर आएगी बी, अंदर क्या बचेगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। समझ आया नहीं है? अब ध्यान से देखो, यहां पे इस आर टी को अलग कर देते हैं, आर टी बार बार आ रहा है तो आर टी को अलग करेंगे। अच्छा कॉमन आके कट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। के पी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी इंटू आर टी की पावर कितनी हो गई सी हो गई सर। इसको अलग अलग कर दिया पावर को, देखो यहाँ पे इन पावर को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी और साथ में क्या आ गया आर टी की पावर डी आ गया अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए और आर टी की पावर कितनी आ गई सर स्मॉल ए ही आ गई। कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी और आर टी की पावर बी कितनी आ गई सर स्मॉल बी आ गई सर। आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट करेंगे अब इसको, फिर इधर ही देख लेते हैं। केपी दैट विल बी इक्वल टू आर टी की पावर यहां पे कितनी है सी है और यहाँ पे आर टी की पावर कितनी है डी है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है,
अरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बच्चों को यही दिक्कत हो जाती है। क्या कि अगर बेस सेम है, एक्स की पावर वन एक्स की पावर टू दोनों क्या हो जाएंगी एड, दैट इज एक्स की पावर थ्री। तो यहाँ पे आर टी की पावर क्या आ जाएगी, सी प्लस डी। इज इट क्लियर और नॉट? अपॉन में आर टी की पावर कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी। तो ये तो आर टी का केस तो खत्म ही हो गया सर। अब यहां पे बच क्या गया सर, बच क्या गया, कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। अब ध्यान से देखो, ये आपने कहीं पढ़ा हुआ है क्या? कहां पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है सर हमने यहाँ पे, कहां पे भाई, भूल गया, ये रहा केस, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, दैट मीन्स कंसेंट्रेशन की टर्म्स में। और कंसेंट्रेशन की टर्म्स में हम इसको क्या बोलते हैं, केसी। इसको हम कहां कर देंगे, वहां पे पुट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो ये रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, केसी बोलेंगे। समझ आया नहीं आया? साथ में क्या आ रहा है, केपी आ रहा है। और आर टी की पावर, एक तो सी प्लस डी आ रही है और ये ए प्लस बी है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब यहां भी समझ नहीं आता बच्चों को, फिर से देखो, एक्स की पावर थ्री अपॉन में एक्स की पावर फोर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर थ्री माइनस फोर, तो एक्स की पावर माइनस वन। एक्स की पावर सी प्लस डी तो था ही, और ए प्लस बी क्या हो जाएगी, माइनस। समझ आया नहीं है? तो के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू में आर टी की पावर। अब ध्यान से सुनिएगा, सी प्लस डी, तो सी प्लस डी, सी और डी क्या है यहाँ पे, सी और डी जो है वो मोल्स हैं। सी और डी क्या है, मोल्स हैं। मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। और ये मोल्स किसके हैं बेटा, प्रोडक्ट के हैं। और ये जो ए और बी है, ये भी क्या है, मोल्स हैं। पर ये किसके मोल्स हैं, रिएक्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो क्या मैं इनको आर टी की पावर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो वी हैव ऑल स्पेस, अब ध्यान से देखो बेटा, KP इज इक्वल्स टू KC इंटू में RT की पावर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे एक टर्म आती है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस किया, तो रिएक्टेंट के मोल्स तो इनिशियल दे और प्रोडक्ट के मोल्स कैसे दे, फाइनल दे। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो क्या आता है, चेंज आता है। और चेंज किसके अंदर आ रहा है, मोल्स के अंदर आ रहा है। और ये कौन सी स्टेट पे आ रहा है, गैसीय स्टेट, क्योंकि गैस के लिए लगा रहे हैं ना हम केपी। तो केपी किसके लिए लगाया हमने, गैसेस के लिए लगाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। तो केपी इज इक्वल्स टू केसी, और आरटी की पावर कितनी हो जाएगी, डेल्टा एन जी। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो ये था आपका स्मॉल सा डेरिवेशन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अब कुछ टर्म्स आती है यहाँ पे, उन टर्म्स को पढ़ लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी मान लो डेल्टा एनजी की वैल्यू 5 है तो केपी किसके इक्वल आएगा, केसी इनटू आरटी की पावर 5। मान लो आपकी डेल्टा एनजी की वैल्यू जो है वो माइनस 5 हो गई, तब केपी किसके इक्वल आएगा, केसी अपॉन में आरटी की पावर माइनस 5 होगी, नीचे आगे किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो आरटी टू द पावर 5, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे डिवाइड होगा। तो अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है तो डिवाइड में चला जाएगा और वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी केपी की, और अगर यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यही पॉइंट दे रखे हैं आगे, क्या
कि चेंज इन गैसियस मोल्स अगर जीरो है तो केपी किसके इक्वल हो गया, सीधा ही केसी के इक्वल हो गया, क्योंकि आरटी की पावर जीरो होगी, और आरटी की पावर जीरो कितनी होगी, जीरो नहीं होगी, वन होगा। इफ चेंज इन गैसियस मोल्स इज ग्रेटर देन वन, अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू वन से बड़ी है, वन से बड़ी है तो मल्टीप्लाई होगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी, और केपी हमेशा ही बड़ा होगा किससे, केसी से, क्योंकि केसी में कुछ ना कुछ टर्म को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इफ चेंज इन मोल्स इज लेस देन जीरो, जीरो से कम है तो पावर हमेशा किस में चली जाएगी, माइनस में, और माइनस में चली गई तो केपी हमेशा किसके इक्वल आएगा, केसी अपॉन में समथिंग पावर ऑफ आरटी, दैट मींस केपी हमेशा केसी से क्या हो जाएगा, छोटा। आया नहीं आया समझ में? तो ये बेटा रिलेशन है केपी और केसी के बीच में जो आपको अंडरस्टूड करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो सबसे पहली बात तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेट कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आ रहा है केसी और केपी, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो। इफ द रिएक्शन रिवर्स, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें कि मान लो ए इज कन्वर्टिंग इन टू बी, रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास के, फॉर एग्जाम्पल इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन के इज इक्वल टू फोर, ये कितना है, फोर है, तो जब हम बी टू ए करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, तो आपका के जो है नया के आया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के बाई फोर के इक्वल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये भी। इफ होल रिएक्शन इज डिवाइडेड बाई टू, अगर पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर दे टू से, ए इज डिवाइडेड बाई टू एंड बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई टू, टू से डिवाइड कर दिया, तो के जो है हमारा नया के आया है वो क्या हो जाएगा, रूट के हो जाएगा, क्लियर है। मतलब पावर किस में चली जाएगी, वन बाई एन में, किसको एन से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के की पावर वन बाई एन हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? अगर इफ ऑल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई टू, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इज कन्वर्टिंग इन टू बी था, तो यहाँ पे टू ए इज कन्वर्टिंग इन टू टू बी हो गया, तो आपका जो नया के एफ आया है वो के की पावर में किस में चला जाएगा, वो भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ पे किस में जा रहा था, डिवाइड में। If the reaction takes place in two or more steps, दो या दो से ज्यादा steps में हो रही है, then the value of K for complete reaction is, मान लो A है, वो convert हो रहा है B में, इसके लिए rate constant आ रहा है K1, B जो है वो further convert हो रहा है C में, इसके लिए rate constant आ रहा है K2, तो इसका मतलब A जो है वो convert हो रहा है C में, जिसके लिए rate constant कितना आ रहा है, K1 into K2, दोनों क्या हो जाएंगे, multiply हो जाएंगे, clear है बेटा? ये कुछ characteristics थी equilibrium constant की। अगर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल है तो के एफ बाई के बी किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ रखा है। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट को डाल रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, ए अभी भी किसमें कन्वर्ट होगा, बी में, और बी अभी भी किसमें कन्वर्ट होगा, ए में, बस रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, कि पहले ए थोड़ा स्लो हो रहा था और अब क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम रहेगा। It just helps to achieve equilibrium faster. The equilibrium is attained only in closed vessel. ये सिर्फ किस में होता है? Closed vessel में होता है. Equilibrium can be achieved from either direction, क्या तो forward से backward हो गया, फिर backward से forward. और at equilibrium, concentration of reactant और product क्या हो जाएंगी? Equal. Clear है? तो ये था बेटा आपका lecture. तो आपको ये complete derivation करना है, और इसके ऊपर जितने भी questions बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप, क्लियर? सो दैट इज योर होमवर्क।